सो गाइज, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों मैं बताती हूँ, बिकॉज इस वीडियो में हम मिनिमम बजट में गुवाहाटी से नियर बाई सबसे अच्छा डेस्टिनेशन, जो कि आप सबसे कम टाइम में जा सको घूमने की जगह, और मिनिमम बजट में हमने कवर किया है. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग. ओके, अबाउट स्टे, कन्वीनियंस एंड ट्रेन टिकट्स ऑल्सो, राइट? सो इसलिए हमने मिनिमम बजट में इस वीडियो को पूरा कवर किया है. सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना. और अगर आप लोग भी कम टाइम और कम बजट के साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, ऑब्वियसली स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, ग्रुप में होते हो, तो उन लोगों को कम बजट में ज्यादा चाहिए होता है, पॉकेट फ्रेंडली. सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है. सो डू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली. ओके, सो अभी बज रहे हैं रात के 11:45. हम यहाँ गुवाहाटी स्टेशन पर ट्रेन हमने बोर्ड कर लिए. सो ये ट्रेन जो हमने बोर्ड की है, ये सिलीगुड़ी स्टेशन तक की है. एक्चुअली क्या हुआ कल रात को, अभी तो हम मॉर्निंग के 7:30 हो चुके हैं, हम ट्रेन में ही है. सो क्या हुआ, कल रात को 10 बजे ऑल ऑफ सडन हमारा प्लान बना दार्जिलिंग जाने का, क्योंकि हमारी छुट्टी है 2-3 दिन की. सो वी जस्ट प्लान कि चलो ठीक है चलते हैं. ऑल ऑफ सडन प्लान था हमारा, तो हमने तो ट्रेन टिकट मिल गई हमें, हमने ट्रेन भी पकड़ ली. ओके, सो अभी मैं तो उठ चुकी हूँ, बट ये महाराज इनको उठा नहीं जा रहा अभी तक. एंड 9 बजे हमें स्टेशन पहुँचना है, फटाफट उठना है अभी. सो टिकट प्राइसेस का मैं आपको बता देती हूँ. गुवाहाटी से आपको सिलीगुड़ी या फिर न्यू NGP तक जाना पड़ता है, लाइक अगर आपको सिक्किम या गैंगटॉक या फिर दार्जिलिंग के साइड जाना है तो. सो वहाँ तक का जो फेयर होता है गुवाहाटी से, वो स्टार्टिंग फेयर होता है 250 से. ओके, डिपेंड्स आप स्लीपर लेते हो या फिर थर्ड एसी या सेकेंड एसी, तो ये जाता है अप टू 1500. 250 से 1500 तक का जाता है, एंड डिपेंड्स ऑन यू आपको किस बजट में मिलता है. और द बेस्ट पार्ट इज, अगर आपको आज जाना है, रात की ट्रेन है ना, सो यू वॉन्ट बिलीव, आपको 2 घंटे पहले भी टिकट मिल जाएगी. किसी पर चेक करना, मैंने मेरा टिकट 2 घंटे पहले बुक किया एंड आई गॉट कन्फर्म टिकट, कन्फर्म सीट मुझे मिली. सो दैट वॉज अ बेस्ट पार्ट. ट्रैवलिंग में कोई इशू नहीं आया, सीट भी हमें कन्फर्म मिल गई. सो ये बहुत ही अच्छा चीज़ था हमारे लिए. हम अभी सिलीगुड़ी स्टेशन पे उतर चुके हैं. हंस क्यों रहे हो? यहाँ देखो, हाय गाइस, ऐसे मत बोलो. हाँ, सिलीगुड़ी स्टेशन उतर चुके हैं. यहाँ से कितने घंटे बोला था? यहाँ से 2.5 घंटे लगेंगे हमें दार्जिलिंग पहुँचने में. यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी वगैरह इजीली अवेलेबल है. NGP से थोड़ा आधे घंटे ज्यादा लगेगा ना. आधा घंटा कम लगेगा, ज्यादा लगेगा NGP से. NGP दूर है यहाँ से 2.5 घंटे, NGP से 3 घंटे. हाँ, तो कम ही लगेगा. हाँ, यहाँ से थोड़ा कम लगेगा, इसलिए हम यहीं पे उतर गए. कौन से स्कूल में पढ़ते? वैसे हमारी टिकट NGP तक थी. सो या स्टेशन से निकल के हमने ब्रेकफास्ट कर लिया. वी आर डन. अब हम बस स्टैंड पे, यहाँ से हम दार्जिलिंग की बस लेंगे. एंड बसेस में आपको यहाँ पे स्टार्टिंग फेयर है बसेस का 103 रुपये पर पर्सन. एंड यहाँ पे गवर्नमेंट बसेस भी हैं और वोल्वो टाइप बसेस भी हैं एंड लाइक AC बसेस भी हैं. सो डिपेंड्स ऑन यू. सो क्योंकि ये हमारा वीडियो मिनिमम बजट में चल रहा है, सो इसलिए हमने जो 103 रुपीस वाला टिकट था, हमने वो लिया है, मिनिमम बजट वाला. नॉट सो बैड, क्योंकि विंटर है तो AC की ज़रूरत पड़ती नहीं है एंड बस के सीट्स भी थोड़ी कम्फर्टेबल हैं. सो वी आर गुड टू गो. क्या बताया, बाहर देखते हैं. जैसे एक स्टॉपेज भी रुकी है ना, यहाँ से 1 घंटा और लगेंगे सर. सो अभी स्टॉपेज पे ये बस रुकी है थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए. सो यहाँ से जो व्यू है आपको दिख सकता है, व्यू कितना अच्छा है. बट हमें ना अभी टॉप पे जाना है, अभी हमें वहाँ जाना है. आपको दिख रहे हैं वहाँ पे घर वगैरह, मैं जूम करके दिखाती हूँ एक बार. हमें वहाँ जाना है, टॉप पे जाना है हमें. सो यहाँ से अभी और टाइम लगेगा, 1 घंटा तो मुझे लगा था, बट 1 घंटे नहीं, यहाँ से अभी 2 घंटे और लगेंगे. ऑल्सो यहाँ पे हमें टाइम पास करने के लिए क्यूट सा पप्पी दिख गया. मेरा घर अगर सामने होता ना, मैं इसे घर लेके जाती, बट क्या करूँ, ये ना बहुत ज़्यादा भूखा था, इसे हमने बिस्किट खिलाया, इसने हाथ से खाया. एंड द बेस्ट पार्ट ना, कि इस पप्पी ने हमें एक बार भी काटने की कोशिश नहीं की. ही वॉज जस्ट प्लेइंग, वो बस इंजॉय कर रहा था, खेल रहा था, एंड इसने पेट भर के बिस्किट भी खाया. सो अच्छा लगा हमें भी इसे खिला के. ऐसा डॉगी हो तो फाल के भी मज़ा आता है.
सो हमारा स्टॉपेज ब्रेक खत्म हो चुका है, हम फिर से निकल गए, हम रवाना हो गए अपने डेस्टिनेशन के लिए। सो आपको मेरे साइड में कुछ ट्रेन की पटरियाँ दिख रही होंगे, आई होप कि आपको ये देख के आइडिया हो गया होगा कि ये पटरी किस ट्रेन की है। यस, ये टॉय ट्रेन की पटरियाँ हैं। हम जाएंगे टॉय ट्रेन पे, और टॉय ट्रेन पे ना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी विच आई विल शो यू। मतलब हम तो जाएंगे कल, सो वीडियो ऑब्वियसली कल या परसों तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टॉय ट्रेन पे जाने के लिए। यहाँ पे बुद्धा मोनेस्ट्री वगैरह, मतलब कई सारे टेंपल वगैरह एंड अच्छे धार्मिक जगहें बहुत सारे हैं। और अभी हो रहे हैं कुछ 2 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, हमें पहुँचते पहुँचते 2:30 बज जाएंगे, आधे घंटे और लगेंगे अभी। सो टाडा, हम उतर चुके हैं अपने बस से एंड थोड़ा मार्केट की तरफ आगे जा रहे हैं। हम बस से उतर चुके हैं, अभी हमें होटल अपना ढूंढना पड़ेगा। सो हमारा स्टॉपेज जो था बस का, वो दार्जिलिंग का जो मेन मार्केट है यहाँ का, वहाँ पर था। सो अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे वॉक करके, 10-15 मिनट का हमें वॉक करना पड़ेगा। यो, सो हम 10-15 मिनट का वॉक करेंगे आगे एंड फिर हमारे माल रोड दिख जाएगा। एंड सामने ये माल रोड ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि यहाँ का मेन मार्केट है। लाइक आपने सुना होगा मनाली वगैरह में जैसे माल रोड है, ऐसे एरियाज़ में माल रोड बोल के एक एरिया होता है, तो यहाँ का भी जो मेन मार्केट माल रोड है वो थोड़ा आगे है। घूमते घूमते मुझे लग गई थी भूख, और कुछ मिला नहीं, बट आई फाउंड मार्शमेलो। यहाँ पे छोटे पाउचेस भी मिलते हैं मार्शमेलो के, एंड ये 30 रुपीज़ का पाउच है जिसमें ऑलमोस्ट 20 पीसेस थे। तो इट वॉज टेस्टी एंड सो हेल्पफुल। क्यों हेल्पफुल मैं बताती हूँ। हम ढूंढ रहे होटल, हमें हो चुके हैं पिछले 45 मिनट हो चुके हैं हमें 45 मिनट से ना, वी आर सर्चिंग फॉर होटल। ऐसा नहीं है होटल नहीं है, होटल तो है यहाँ पे, बट द थिंग इज़ हमें मिनिमम बजट में चाहिए, हमें चाहिए 1000 रुपीज़ के अंदर होटल, जो कि इजी नहीं है। यहाँ पे हमने एक जगह पूछा था तो उन्होंने कहा था कि स्टार्टिंग प्राइस ही 2000 से है, क्योंकि मेन मार्केट है। तो लेट्स सी हमें मिलता है कि नहीं मिलता है 1000 रुपीज़ का होटल। ऐसे अननोन तरीके से आके होटल ढूंढना यहाँ पे इज़ नॉट ए ईजी टास्क, क्योंकि हम पागल हो चुके हैं होटल ढूंढते ढूंढते और फ़ोन पे सर्च करते करते। कॉल कर रहे हैं उनसे, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिटेल्स ले रहे हैं, बट हमें बजट से नहीं मिल रहा, आउट ऑफ बजट ही मिल रहा है। होटल ढूंढते ढूंढते हैं हम हो चुके हैं एकदम थक चुके हैं, पागल हो चुके हैं एक्चुअली। इधर कॉल करो, उधर कॉल करो, ये हम किसी से हेल्प नहीं ले रहे हैं। हम गूगल पे सर्च करके नियर बाय जो भी होटल है उसके रिसेप्शन पे कॉल करके हम प्राइजेस वगैरह पता कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ क्या है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो येस, जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइज, डोंट फर्गेट टू वॉच द सेकेंड एपिसोड, जिसमें आपको दिखेगा कि हमें होटल मिला कि नहीं मिला, बजट में मिला कि नहीं मिला, और उसके आगे क्या होता है। सो सी यू इन माई नेक्स्ट एपिसोड।